Hello, good morning students. How are you all? Hope you all are fine. Students, आज हम लोग के odd even numbers पढ़ेंगे और आज हम लोग 30 के आगे देखेंगे 30 to 50 हम लोग देखेंगे odd even numbers में. ठीक है, हम इसको यू भी लिख सकते हैं 30 first to 50. ओके, 31 to 50. ओके, T I E T H, sorry, 50. ओके, हम यहां से इसको देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे देखेंगे. कल हमने देखा 30 तक, आज लिखना सीखेंगे वर्ड में 31 से. ओके, तो शुरू करते हैं 31. ओके, T H I R T 30 Y 31 T I R S T 31 30 second. ओके, T H I R T 30 ओके, इस प्रकार से हम लिखेंगे. आगे बढ़ते चलेंगे 34. ध्यान दीजिए, अब इसको आपको लर्न करना है. क्या करना है? एकदम स्पेलिंग के साथ 34. ओके, 35. ओके स्टूडेंट्स, 36. यहां लिखते हैं 36, 37, 30, यस, टीएच लगाते जाएंगे हम. ध्यान रहे कि इसमें टीएच लगेगा. 38, 30, आप लोग इसको ध्यान से देखिए. 39. ओके, हो गया 39 तक. अब 39 तक हो गया तो 40 चलेंगे. 40 को कैसे लिखा जाएगा? इरेज करना पड़ेगा हमें. ठीक है, तो इरेज करके हम राइट करते हैं 40. 39 तक हो गया 40. आज हम 50 तक देखेंगे. ये 40 है. F O R T I E T H 40. ओके स्टूडेंट, 40 तक हो गया. अब 40 से आगे फिर पढ़ेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
सेवन ऐसे देखते हैं। जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के प्रयोग कहाँ से करना शुरू करती है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टींथ फोर्टींथ फिफ्टींथ सिक्सटींथ सेवनटींथ एटींथ नाइनटीन ट्वेंटी टीएस लगाते चले गए। उसके बाद से ट्वेंटी ट्वेंटी के बाद से जब शुरू किया हमने ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी वन को ट्वेंटी फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ इसी प्रकार से सेम है फोर्टी फर्स्ट फोर्टी फर्स्ट ठीक है फोर्टी सेकेंड फोर्टी सेकेंड फोर्टी थर्ड फोर्टी फोर टी एच आ गया फोर्टी फोर ओके। इस तरह से फोर्टी फोर थे फोर्टी फिफ्थ फोर्टी फिफ्थ फोर्टी फिफ्थ फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी फोर्टी नाइन ठीक है 49 तक हो गया। अब 50 50 कैसे लिखेंगे 50 ये फिफ्टी आपका होना ओके स्टूडेंट्स ये हमारा। अब इसके आगे जब लिखना होगा आपको प्रैक्टिस करिएगा तो 50 यहां तक आप लोग पहले लर्न करें फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है, ज्यादा बताएंगे ना आगे का समझ में आएगा ना पीछे का, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, इसको लर्न करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।